हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और आज फिर मैं आपके सामने एक किटी गेम लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, सिंपल प्रॉप्स के साथ गेम बनाती हूँ। ये आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देखिएगा, ये मेरे गेम की खासियत है कि मैं सिंपल प्रॉप्स के साथ ही गेम बनाती हूँ जो इजीली अवेलेबल हो जाए। कुछ एक में ही सामान आपको लाना है, तो वो सामान भी ऐसा होता है जिससे बहुत सारे गेम बनाए जा सकते हैं। तो अभी जो मैं गेम बना रही हूँ, उसके लिए हमको अलग अलग वैल्यू के नोट चाहिए। आप कोई से भी ले सकते हैं, आप 10, 20, 5 का भी ले सकते हैं, 10, 20, 5, 50। मैंने भी 4 अलग अलग वैल्यू के नोट लिए हैं, ठीक है। और एक ये पेज लिया है, ये मतलब ऐसे हाइड करने के लिए है। इसका रोल ये है इतना, इसकी जगह आप कुछ भी हार्ड, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। और एक हमको चाहिए धागा। और हमको क्या करना है कि इन सारे नोट्स को ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से धागे से इनको ऐसे ऐसे बांध लेना है, ठीक है। ये देखिए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चारों नोट्स को इस तरह से धागे में बांध लिया। सबको ये धागे में ऐसे बांध लेना है इस तरह से। देखिए, सब धागे में हल्के हाथों से बांध लेने हैं और सब बराबर डोरी में बांधने हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी छोटी में नहीं, सब ऐसे बराबर डोरी में बांधने हैं। अलग अलग वैल्यू के नोट लेने हैं और इस तरह से सबको डोरी में बांध लेना है, बराबर डोरी में। अब देखिए, इस गेम को खेलना कैसे है कि एक आपको इस तरह से चीज लेनी है, कुछ भी हाइड करने के लिए। तो हम इन नोट्स को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लगा देंगे। अभी हम चारों नोट्स को ऐसे ऐसे लगा देंगे और इनकी जो ये जो पकड़ने वाला सिरा है वो इस तरफ ऐसे कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अब आपको इनको ऐसे मिक्स कर देना है और इनको यूं छुपा देना है। अब प्लेयर आएगा, देखिए प्लेयर आएगा, प्लेयर को ये चार सिरों में से कोई भी एक सिरा, ये होस्ट डिसाइड करेगा कि प्लेयर एक सिरा खींचे या दो सिरा खींचे, ये होस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। एक सिरा खींचेगा तो भी डिसीजन हो सकता है और दो सिरे खींचेगा तो भी डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पे प्लेयर आएगा, अब ना मुझको पता है ना किसी को पता है कि इसमें से कौन सा धागा किसका है। ये देखिए, ये अलग हो गया। या ध्यान रखिएगा कि ये सब अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो, पता ना चले। अब प्लेयर आएगा, जैसे कि फर्स्ट प्लेयर आएगा और उसको इसमें से एक ही, कोई एक खींचना है। एक तो मैं कह रही हूँ, आप दो तीन जो होस्ट की डिसाइड करे। अब उसने एक खींचा ये वाला, तो कौन सा नोट खींच के आया, 20, ठीक है। तो प्लेयर के कितने पॉइंट हुए, 20। अब इनको फिर से, और अगर आप कहें कि दो खींचना है तो दो भी खींच सकता है प्लेयर, तो और पॉइंट हो जाएंगे। अब उनको फिर से वो यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दीजिए। अब प्लेयर, दूसरा प्लेयर आएगा और ये देखिए कि ये नहीं कि उसका यूं यूं करने में कोई नोट खींच जाए, वो नहीं माना जाएगा। जब तक वो पूरा यहाँ तक खींच के नहीं ले आएगा नोट को, तब तक काउंट नहीं कीजिएगा आप। ऐसा नहीं कि धागा सेलेक्ट करने में कोई नोट खींच गया, वो कहे मैंने तो ये 500 का ही खींचा था, ऐसा नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो कि उस समय तो हम सब बच्चे बन जाते हैं किटी खेलते समय, तो ये सब भी खूब होता है, ठीक है। अब सेकंड प्लेयर आएगा और वो भी उठाएगा ऐसे, एक धागा खींचेगा, तो ये देखिए उसने भी 20 खींचा है ये आज। तो चलिए, तो उसके भी 20 पॉइंट्स हुए। और आपको ये ध्यान रखना है कि धागा एकदम बराबरी का हो, आप बिल्कुल नाप के धागा काटिएगा और धागे से नोट्स को बांध दीजिए और इस तरह से छुपा दीजिए। आप चाहे तो इससे छुपा सकते हैं, चाहे कैसे गिलास से छुपा सकते हैं, जो वहाँ पे
अवेलेबल हो, देखिए ग्लास से ऐसे ये बार बार 20 खिंच के आ रही है, मैं आपको बता ही रही थी तो भी 20 आ रहा है। तो इस तरह से आप एक ग्लास रख दीजिए, उससे भी हो सकता है ये रख दीजिए, उससे भी हो सकता है, और बस ये ध्यान रखिए कि ये सब मिक्स रहें अच्छे से धागे। तो बस ऐसे करके एक धागा खींचना है, ये देखिए 50 खिंच के आया। होस्ट को इस पर हाथ दबा के रखना है जब वो प्लेयर ऐसे खींचेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो और जिसके जितने जो बड़ा नोट खींच लेगा वो माला माल, ठीक है ना, जो बेचारा छोटा, और आप चाहे तो एक खाली कागज भी रोल करके रख सकते हैं, कि जैसे मैंने चार नोट रखे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये चार नोट और एक खाली कागज ऐसे रोल करके बांध के रख दीजिए, तो किसी का 0 पॉइंट भी रहेगा, ठीक है ना। तो होप ये गेम आपको अच्छा लगेगा, और ऐसे ही गेम देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।